उनको भी प्यार हो गया। कलर कभी जलता है हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है टूटा है तो दिल कभी जलता है हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर अपुन के मोहल्ले में अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैलाश वैली। आज है जी हमारे टूर का आखिरी दिन और इस वक्त हम मौजूद हैं कैलाश वैली बम्बू रेत में। कैलाश वैली का बम्बू रेत आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ का कैपिटल है। बहुत ज़्यादा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो बम्बू रेत में होती हैं। इसके अलावा तीन टोटल गाँव हैं जहाँ पर ये कैलाश पीपल रह चुके हैं। बम्बू रेत है, बम्बूर है और बरीर है। बम्बू रेत और बरीर तो आसपास हैं। आप चेक पोस्ट से लेफ्ट होते हैं तो बम्बू रेत की तरफ आते हैं, राइट होते हैं तो बम्बूर की तरफ आते हैं, लेकिन जो बरीर है वो आगे दरोश की तरफ से आगे उसका रास्ता निकलता है। जो ज़्यादातर लोग हैं कैलाशा पीपल जो ज़्यादातर रह गए हैं वो बम्बू रेत में रह चुके हैं जहाँ हम मौजूद हैं। बम्बूर में थोड़ी आबादी कम है और बरीर में भी सुना है कि आबादी थोड़ी सी कम है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें देखने को हैं वो बम्बू रेत में अवेलेबल हैं, जैसे इनकी ग्रेवयार्ड होगी, इनकी इबादतगाहें होगी, इनका मेंसेस हाउस हो गया और ख़वातीन के कल्चरल एक्टिविटीज़ और शॉपिंग वगैरह यहाँ पर होती है। ये बड़ी खूबसूरत वैली है जी। आसपास हरी भरी खूबसूरत पहाड़ हैं, हरियाली है और खूबसूरत दरिया बह रहा है। इसकी खूबसूरती अलग, तो इसके साथ साथ यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, किसी से कम नहीं इनकी खूबसूरती। और ख़ूबसूरती के अलावा ये लोग बड़े खूबसूरत हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। जब हम कल गांव में विज़िट कर रहे थे तो वहाँ के लोग खुश हो रहे थे कि यार ये हमें देखने आए हैं। ना सिर्फ वो खुश हो रहे थे, बाकायदा वो हमें कह रहे थे कि बैठो हम आपके लिए चाय भी बनाते हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार ये दिल के भी बड़े साफ़ लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। लेकिन ये तंग ज़रूर हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों से, बहुत से लोगों से तंग हो रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद मैं गाइड कर दूं कि ये 50,000 से ये 1500 से 2000 रह गए हैं। लेकिन कल हमारी एक लोकल से बात हो रही थी, कह रहे थे कि नहीं अब हमें थोड़ा सा एहसास हो चुका है कि ऐसे अगर ऐसे चलता रहा तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, तो अब हम अपनी तालीम पर फोकस कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर रहे हैं, मोर ओवर हम अपने कल्चर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम इस पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सी एन जी ओज भी इनके साथ काम कर रही हैं और गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो यही था जी, ज़िंदगी में आए यहाँ पे एक बार ज़रूर इनको विज़िट करें। 22 अगस्त को इनका मेला है, चाहें तो मेले पे आ जाएं, आपको बहुत खूबसूरती देखने को मिलेगी, आपको बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि ये लोग किसी को तंग नहीं कर रहे, बड़े शरीफ इंसान है। कल मैं एक वो बता रहा था कि लोकल के हम जब शुरू में थे तो हम दीर में रहते थे, फिर हमें वहाँ से मार के भगाया तो हम चित्राल में आ गए, चित्राल फिर हमें चित्राल में मार के भगाया तो फिर हम ऊपर पहाड़ों में आ गए, ये सारा जंगल होता था। उसने बोला कि यहाँ पे आके हमने फिर इसको आबाद किया, अब हम यहाँ पे रह गए हैं, अगर यहाँ से भी हमें मार के भगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो उनको तंग ना करें यार, उनको जीने दें। और आपने अगर अपनी रिलीजियस प्रीचिंग करनी है
तो उनको एक बार बताएं, अगर वो नहीं मानते तो लेट देम भी, उनको जीने दें, क्योंकि इस्लाम भी अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखने का हुक्म देता है। तो यही थी जी कुछ बातें। अब हम यहाँ से मूव करने लगे हैं, वापस दीर की तरफ जाएंगे, रास्ते में आपको वापसी के रास्ते भी दिखाते जाएंगे। तो चलिए मैं चल के अपने वॉइस लॉग को उठाता हूँ, तो फिर हम यहाँ से रवाना होते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर कोई मार्केट वगैरह कुछ खुली नहीं, नाश्ता तो होगा नहीं, तो होपफुली दीर के आसपास जाके कुछ नाश्ते का भी अरेंज हो जाएगा। लेट्स मूव ब्रो। तो चलिए जी निकलने लगे हम खिलाफ से, ये अलेक्जेंड्रा होटल, अलविदा दोस्त, फिर मिलेंगे। हसनैन बहुत दुखी है जी, हसनैन को यहाँ पे लावा हो चुका हुआ है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाज़ी सहरल्लाह नहाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुन्तक़लिबून। ऐ मेरे रब, इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमा, हमारे हक में फरमा, और इसको मुकम्मल करने में हमारी मदद फरमा, और हमें खैर खैरियत से पहुँचा दे। ये आपको मेरे आगे अगर बड़ा बैग दिख रहा है तो इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम चार बंदे हैं, सामान ज़्यादा है। तो चलिए मूविंग टू लैपटॉप रख दिया मैंने, कुछ रहा तो नहीं है कमरे में जी। भजन चले, चलो आओ जी, बिस्मिल्लाह रहमान। कैलाश वैली में काफ़ी गेस्ट हाउस हैं, आप अपनी फैसिलिटीज़ जो आप कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एरिजोना काफ़ी बीच है, तो लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ये अलेक्जेंड्रा या इससे आगे जाके कहीं लें, क्योंकि गांव आगे है, पीछे लेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा। लेकिन बजट का इशू है तो कहीं भी ले लीजिए। टाइम उस नैन सात सवा सात हैं, ये सामने आ गई है जी चेक पोस्ट। अगर इस चेक पोस्ट को क्रॉस करके सीधा आप चले जाएंगे तो बंगूर गैरी आ जाएगी, वहाँ भी कलाशा लोग रहते हैं, और लेकिन सुनने में आया कि कम तादाद में रहते हैं, ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो बंगूरत ही रहते हैं, बंगूरेट। तो बंगूरेट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सामने बंगूर जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर मुड़ेगा। उतरो भाई, आ जाओ। आजा, 8 बज चुके हैं। एक ओए होए, एक घंटा लगा हमें यहाँ तक आने में। अरे वो सर हम लोग हैं, 8 बज रहे हैं, बैठ। हाँ पहुँचेंगे यार, दो अभी ये आधे घंटे का ये है, 8:30 नीचे होंगे अयून में, और 9:30 हम अयून क्रॉस करेंगे, फिर 3 घंटे आ गए। हाँ सही है, इंशाल्लाह दोबारा 1 बजे तक पहुँचेंगे, सही जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर अगर कोई मसला ना हुआ, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। चलें चलें, क्या हुआ, ये वाले पुल से जो मुसलमान बैठे हुए हैं, आंकड़े कितने हुए थे? वैसे तो वो भी मुसलमान ही थे, कैलाशा पीपल, लेकिन बहुत बड़े अच्छे यार थे, खुश अखलाक, खुश शक्ल, फिट। ये ऑफ राइडिंग है जनाब, बड़ी ख़तरनाक, इस पर आपने बड़े आराम से ड्राइव और राइड करनी है। तो हम जब तक ये ऑफ राइडिंग क्रॉस करते हैं, आगे चल के कॉन्टिन्यू व्यू चेक करें जी, खूबसूरत ब्राउन पहाड़ और ब्राउन पानी, पीछे बड़ा खूबसूरत पानी था, ब्लू कलर एंड वाइट कलर का पानी आ रहा था पीछे, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है।
ये सैलाब आता तो ये पूरा आ जाता है, वो देखें वो सामने से अगर आपका आबशार नज़र आ रही है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। पूरा सैलाब में ये गिर जाता है, काटा पूरे का किसान। चेक करें जी ये पानी कहाँ से आ रहा है, गैस करें, क्योंकि ऊपर तो पहाड़ है, दरिया तो नीचे बह रहा है, ये कहाँ से पानी ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ से नीचे छोड़ रहे हैं। है तो ये डैम ही और, लेकिन समझ पा रहा है कि पानी ऊपर कैसे आ रहा है। चलो यहाँ पर भी आ गई, तो फाइनली कैलाश वैली इज फिनिश। ये नीचे जो है सारी अयून वैली है, तमाम वहाँ पर भी जा रहे हैं। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, अयून वैली की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ पे आगे हम चित्राल और दी रोड पे चढ़ जाएंगे। तो आइए जी हमारे साथ साथ चलिए। देख करें जी कितनी खूबसूरत वैली है यहाँ से नज़र आ रही है। और ये पाकिस्तान का इस साइड से आखिरी गांव आप कंसीडर कीजिए, क्योंकि सामने अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है तो उसके पीछे अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ से अफगानिस्तान आते जाते रहते हैं। ये एक बॉर्डर लाइन आप उसको कंसीडर कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, आगे फिर अफगानिस्तान शुरू हो जाता। और ये कैलाश वैली के पीछे भी अफगानिस्तान शुरू होता है, तो कैलाश वैली को भी आप एक तरह से आखिरी गांव पाकिस्तान का इस साइड से कंसीडर कर सकते हैं। तो वी वर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ पाकिस्तान, तो मतलब पाकिस्तान के एंड नहीं, पाकिस्तान की हदूद के एंड के काम पे थे। अब वापस चलते हैं मिड ऑफ पाकिस्तान लाहौर शहर में। ये ब्रिज बंद ही हो गया बना के, क्या बोला था तुमने? उतर कील है, हाँ कील है। यहाँ से ऊपर जा रहा है जी चित्राल और दी रोड। तो ओके ओके, तो अब यहाँ से हम निकलेंगे दी रोड पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बाइकों को रेस्ट देते हैं, फिर मूव करते हैं। तो जी 5 मिनट का रेस्ट हो चुका, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पहले तो हम दी रोड पे चढ़ेंगे, सबसे पहले अयून वैली क्रॉस करेंगे, फिर आएगी आगे दरोश, दरोश में रुक के देखते हैं कुछ खाने का निज़ाम अगर मिल गया हमें, नाश्ता वगैरह हो जाएगा हल्का फुल्का। हल्का करना है, हल्का नाश्ता करना है। हॉट सीट
चढ़ाइयाँ चढ़नी है, चढ़ाइयाँ चढ़नी वो ऊपर जाना है। आ रहे ना ये तो चढ़ाई ही नहीं है। आई थिंक अब मुझे आराम से जाना चाहिए। गुड बाय कैलाश वैली। ये जी अयून है, अयून से ऊपर फिर वहाँ पे कैलाश है, कैलाश से आगे फिर अफगानिस्तान है जो दरिया बह रहा है। आमिर चलें चलें। तो चलो जी आगे से, अब यहाँ से ऑन रोड शुरू हो चुका हुआ है, दरोश तक तो ऑन रोड ही होगा और दरोश के आगे थोड़ा सा ऑफ रोड है, फिर आगे पैचिस हैं ऑफ रोड के ऑन रोड के। तो अब टनल तक हमें इंशाल्लाह जल्द पहुँचेंगे। Eyes on my display, you say we need a change and I feel that you mean it, you mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them, we don't need them. So can we just slow जी दरोश बाज़ार में हल्का फुल वो क्या कहते हैं कि हल्की फुल्की धूप में हल्का फुल्का टक कहीं तक में रियो जिसको चला था और बिस्कुट खाने के बाद पानी के साथ हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं बीर फिर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी भी 52 किलोमीटर है, हम यहाँ पे आमिर भाई का इंतजार कर रहे थे तो आमिर आ चुका है। तकरीबन हम कोई 40 किलोमीटर पीछे हैं से, वो स्नैन और हमजा जा रहे हैं गाड़ी में लटक के, पीछे आ गया था ऑफ रोड और चढ़ाइयाँ जो तो मुश्किल होती हैं, तो स्नैन को लिफ्ट मिल गई तो स्नैन के साथ हमजा भी लटक गया क्योंकि चढ़ाइयाँ जब होती हैं तो हम इन दोनों को उतार देते हैं और ये दोनों पैदल आते हैं। तो अभी उनकी मदद हो गई अच्छी खासी, सुकून से जा रहे हैं और हमारी भी हेल्प हो गई है, ज़रा बाइक भी हल्की हो जाएगी आराम से हम लोग जाएंगे तो नहीं कह जाएगी चढ़ाइयाँ भी हो जाएंगी। अभी चलो can we just stop?
वालेकुम एंट्री करवानी। सामने है जी लवारी टॉप। अगर आप ये टनल में से नहीं जाते आप बाइक पे हैं तो आपको गाड़ी में रखवानी पड़ेगी, और अगर गाड़ी में नहीं रखवाते आप तो आपको ये टॉप पे जाना पड़ेगा। रास्ता वहीं से है वो जा रहा है ऊपर, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप गाड़ी में लोड करवाएँ और आगे से टनल से ही जाएँ, क्योंकि 9 किलोमीटर का फासला है, बड़े आराम से कट जाता है और बाइक का इंजन भी सही सलामत है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो यही सीन है कि फिर एक हैपनिंग हो चुकी है कि 2 बजे टनल चलेगी और हम फंस चुके हैं। चलें ठीक है। तो ये टनल हमने क्रॉस कर ली है और अभी पौना एक और है, 1.25 घंटा है हमारे पास धीर पहुंचने के लिए, और हम इंशाल्लाह फटाफट पहुँच 1.25 घंटा। तो चलें ठीक है। हाँ आपका नंबर तो शायद आप उठा कर नंबर उठाया है।
तो फाइनली जी हम आ चुके हैं दीर बाज़ार में, और ये बस अड्डा है टर्मिनल, ये पूरा बाज़ार है अराउंड में, और बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार है, यहाँ से कभी कुछ आप खरीद सकते हैं अगर आपने घर में कभी शॉपिंग करनी है तो। वो सामने खड़ी हुई है जी बस, ये बस हमें लेके जाएगी सीधा लाहौर, बाइकें हमने यहाँ पर लोड कर ली हैं। तो ये सफ़र हमारा यहीं तक ही था जी, ये टूर यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं, और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टूर में, नेक्स्ट ट्रिप के साथ, नेक्स्ट बाइक टूर के साथ, और नेक्स्ट जगह पे, होपफुली कश्मीर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए। आपको ये व्लॉग्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ना पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है। तो दैट्स इट जी, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टूर, नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक लगने दो। दिल बोले सोया था अब जगने।